हेलो दोस्तों, टेक्निकल हमेशा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका होस्ट और दोस्त आर्थिक। दोस्तों, बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी अनबॉक्सिंग मैं करता हूँ। आज भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो कि घरों में बहुत ज़्यादा उपयोग का होता है, लेकिन नॉर्मली लोग इसके बारे में जानते कम हैं, मंगाते कम हैं। तो ऐसा ही प्रोडक्ट है जो कि आपको सर्दियों में बहुत काम आने वाला है। इसको निकाल लेते हैं। ये है लिंट रिमूवर, नोवा कंपनी का है। ऑनलाइन मैंने मंगवाया और आप देख सकते हैं मॉडल नंबर NLR 208, और डिटेल ऊपर दिया हुआ है क्या क्या है, कितने का है। और मुझे बहुत महंगा नहीं पड़ा, ये प्राइस मैं आपको बताऊंगा अंत में, नोवा कंपनी का। और इसमें ऊपर डिब्बे में क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। चलिए अब देर नहीं करते, इसको भी खोलते हैं, इसके अंदर क्या है। इसके अंदर एक और प्लास्टिक का छोटा सा बॉक्स और जो कवर्ड है उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर भी है। इसको भी खोल लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं इसको खोलना। अंदर देखिए, ऑरेंज और वाइट कलर में खूबसूरत सा और हल्का है छोटा सा लिंट रिमूवर, या सीधी भाषा में कहें तो जो रोए पड़ जाते हैं आपके सर्दियों में कपड़ों के ऊपर, उसको हटाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वरना बहुत गंदा लगता है, ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता। कैसे उसको हटाया जाए, कोई ऐसा कारण भी नहीं, बहुत मुश्किल पड़ती है। इसमें देखिए, एक तो स्टेनलेस स्टील का जाली दिखाई दे रही है, बाकी पूरा प्लास्टिक का बना हुआ, और पीछे में एक कॉर्ड है जो करीब 1 मीटर तो होगी, और एक छोटा सा इसके अंदर कैबिन कह लीजिए जिसके के अंदर लिंट जमा हो जाता है। और पीछे में एक दिखाई दे रहा है इसमें LED, ऑन करने के बाद पता लगेगा ये LED बल्ब जलता है नहीं जलता है। और साथ में एक ब्रश भी दिया हुआ है साफ़ करने के लिए, इसका ब्लेड, इसके अंदर ब्लेड होते हैं। तो इसको खोलने की कोशिश करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा ब्लेड कैसे दिखाई देते हैं, और इस्तेमाल करके भी दिखाऊँगा कैसे इसको प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम लीड को लंबा कर लेते हैं, कितनी लंबी है। 1 मीटर के आसपास या उससे कुछ छोटी हो सकती है, 1 मीटर ही होगी। और इसका ऊपर का जो डायल है वो निकल जाता है, उसको आप खींचेंगे अपनी तरफ तो निकल जाएगा। और इसके अंदर जो स्टेनलेस स्टील की प्लेट लगी हुई है, जो जाली लगी वो भी खुल जाती है, तो अंदर आपको ब्लेड दिखाई दे रहे हैं, सिंपल से ब्लेड्स हैं। और अगर आप बिना जाली के इस्तेमाल करेंगे कपड़ा कट जाएगा, ऐसा नहीं करिए। पहले इसको ज़रूर लगाइए, ध्यान से टाइट कर लीजिए इसको अच्छे से, और उसके ऊपर जो एक उन्होंने कवर दे रखा है प्लास्टिक का वो भी लगाइए, ताकि आपका कपड़ा भी ना कटे और सही तरीके से निकल जाए, लिंट या रोएं उसमें से निकल जाए। तो इसको लगा कर इस्तेमाल कीजिए, तो बीच के पोर्शन से रोएं हटते जाएंगे। और नीचे LED दिया हुआ और एक ऑन ऑफ स्विच भी है इसके अंदर, बाकी और कुछ है नहीं। तो इसको इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे, ऑन ऑफ स्विच और लगा कर भी दिखाएंगे। इसका प्राइस 350 के आसपास मैंने आपको बताया था। और डिब्बे में कोई बुकलेट वगैरह नहीं है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं जहाँ पर हूँ यहाँ बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, बाहर से गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए इसको प्रयोग करके देखते हैं किस तरह से इस्तेमाल होगा और कितना यूज़फुल है भी कि नहीं, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, सारे वीडियो आप देख पाएँ। ये देखिए, मैंने एक ले लिया जैकेट जिसके ऊपर कि ये लिंट्स या रोएँ आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ, ऑन कर लेते हैं और देखिए किस तरह से हट जाएगा, ये हटता है कि नहीं हटता मालूम पड़ेगा। अभी आसान है और ये हटता जा रहा है, बहुत ही सिंपल चीज़। और इससे आपके कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगे, देखिए बिल्कुल हट रहा है, कपड़े अच्छे लगते हैं, कपड़े सही रहते हैं, साल दर साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गलती से अगर आप किसी कपड़े को पहन के सो जाते हैं तो उसमें से रोएं उड़ जाते हैं, अपने आप भी उड़ जाते हैं, तो ऐसा इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये बहुत ही उपयोगी आइटम है, मुझे लगा कि इसका वीडियो बनाना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा, आप इसको लाइक तो कर ही देंगे। चलिए पीछे कैबिन में दिखा देता हूँ इसका जो है चैम्बर, उसमें लिंट या रोएं इसके अंदर आ चुके हैं। इसको खोलने का भी तरीका होगा, ये देखिए साइड्स में दो लाइन्स आपको दिखाई पड़ रही, तो लाइन को बाहर की तरफ अगर हम स्लाइड करेंगे तो शायद ये खुल जाएगा, और कोई तरीका इसमें नहीं है। चलिए लाइन से स्लाइड करते हैं, उसको खोल के देखते हैं चैम्बर इसका किस तरह का है। और इस तरह की चीज़ें बस थोड़ा सा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, बहुत स्टडी नहीं, थोड़ा संभाल के यूज़ करिए, गिरने ना पाए, गिरेगा तो टूट सकता है। ये देखिए चैम्बर के अंदर सारा लिंट या रोएं इकट्ठा हो गया,
तो इस तरह आप अपने घर के कपड़ों की, वूलन कपड़ों की सफाई कर सकते हैं, लिंट या रोएं उसमें से हटा सकते हैं और साल दर साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। उपयोगी रहेगा तो आप इसको लाइक तो कर ही देंगे और सभी से शेयर भी कर देंगे ताकि सभी को जानकारी हो जाए। मैं ऐसे बहुत से वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, कोई भी उपयोगी चीज़ मेरे घर में आती है या मैं मंगवाता हूँ या कहीं से मुझे मिलती है तो मैं उसका वीडियो बना देता हूँ ताकि सभी को उसका फ़ायदा हो सके, सभी को जानकारी हो सके। और ये बहुत महंगा भी नहीं और आपके कपड़ों को, पुराने कपड़ों को साल दर साल अच्छा रख सकता है, ये इसकी खूबी है। और ज़्यादा पावर का मोटर भी नहीं तो ज़्यादा बिजली भी खर्च नहीं होगी आपकी और आप अपने कपड़ों को अच्छे से साल दर साल सर्दियों में पहन पाएंगे जिनमें कि रोएं उठ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा और आप सबसे शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि आपको आपकी पसंद के वीडियोस मिल सकें और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं वो मिल सके। मैं बहुत से वीडियोस बनाता हूँ किसी भी नए गैजेट के ऊपर, कोई भी टेक्नोलॉजी का सामान आता है अनबॉक्सिंग करता हूँ या कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आती है उसको बनाता हूँ, यूट्यूब के ऊपर बनाता हूँ या कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर भी बनाता हूँ। तो इन 4-5 चीज़ों के ऊपर बना देता हूँ और चलिए वापस इसको लगा देता हूँ और रख देता हूँ डब्बे के अंदर। तो छोटी सी अनबॉक्सिंग और आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए ताकि सभी को जानकारी हो सके। और ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल, बहुत आसान तरीके से। ये देखिए ब्लेड, इसके 3 ब्लेड हैं और प्लास्टिक का बना हुआ और एक जाली स्टेनलेस स्टील की। तो बस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने घरों में आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यंग दिखें, देखते रहें मेरे वीडियोज़ को और कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाते रहें टेक्निकल हमेशा की वीडियोज़ देख करके, कोई इन्फॉर्मेशन या जानकारी से। तो अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा उसके लिए ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, मेरे और भी वीडियोज़ हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, ऑनलाइन आप इस तरह के प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। अगले वीडियो तक आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।